श्रीकृष्ण चैतन्यो गृहस्थान पदवे विदिला दीपचांदा छाया दीव विषय गृह मादृश दीहमूर्धी शिवभाग सप्तम स्कंध चतुर्दश महाराज नाम जी को प्रश्न कर रहे हैं महाराज आपने जो ब्रह्मचारी और मानव पुरुष है और सन्यासियों के लिए जो विधि कार्य संभव है वो था भगवान के पास जाने के लिए इन्हें मुक्त होने के लिए जैसे जैसे विधियां हैं आप सब बताएं कि अन्योन जो गृहस्थ है मूल ही बुद्धि विशेष कर छिन्नी है क्यों कि हम लोग इस दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं इसके बाद आज जो जीवन है ये हम लोग समझते नहीं कि सब विषय उनसे प्रश्न के जो मूल जी ये शब्द प्रभाग्य गृहस्था ये जो हमें गृहस्था है तो बुद्धि तो हम लोग ही नहीं है आप बताइए कि किस तरह से रहने से हम लोग कभी कभी मुक्ति हो ये प्रश्न थी तो महत्व वितरण नहीं रहा विधि नाम भीन से जो था महात्मा लोग जो होते हैं सब समय ध्वनि करते रहते हैं गांव में देश देश में गृहस्थ को जगाने की ये जो दिगिष्ठ महाराज दिगिष्ठ महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे सर्व भगवान से साक्षात संपर्क पांडव लोग का चर्चे फैलाए और धर्मराज ये साधारण मैं नहीं है दिगिष्ठ महाराज कोई साधारण लोग नहीं है तथा भी अन्य को मुनि के पास मूल होगी उत्तम तो मूल मूल का अर्थ होता है गढ़ा श्री भगवद गीता में कई जगह है ये मूल शब्द का प्रयोग हुआ नमाल उसकी नाम मूढ़ा प्रमोदम पे नारायण माया अपनी बन जाएगा पक्षी और जगह हम जाना ही मानव मूढ़ा मानुष ही परमा परम भाव मनोभूत तो वास्तविक ये जो गृहस्थ आश्रम है भगवत विषय में विशेष ज्ञान उनका लाभ नहीं है इसलिए गृहस्थ के लिए उचित है कि उस आदि शब्द का सेवा करें उनसे कुछ भगवत विषय श्रवण करें कि आप लोग आयोजन किया है और ये सब
साधु संत सारा दुनिया से आप भाई दूसरा भूमि दर्शन करने को आए हैं। ये केवल संघर्ष में ही नहीं, ये तो विदेशी ही है, सारा पृथ्वी के कोने कोने में ये आपका जो कृष्णा है उनकी वाणी प्रचार कर। चैतन्य महाप्रभु के एक उद्देश्य है कि पृथ्वी के चारे कोने कोने में भगवान कृष्ण की वाणी प्रचार। चैतन्य महाप्रभु चैन कृष्णा न चैतन्य कृष्णा परवर्तम, भगवान कृष्णा भगवद गीता बताए अध्यात्म में सब कुछ समझाया, चल भगवान पुनिचर्या माने बाकी वो मूल नहीं जो है वो समझाए भगवान जी होने के कारण भगवान खुद खा करके सबको समझाते हैं किसी चीज है भगवान आज भगवान से हमारा क्या संपर्क है ना कि नूर भी है उसको समझता है। इसलिए भगवान फिर भी सर्व भक्त रूप से है ये चैतन्य महाप्रभु बात वही है जो बातें भगवान कृष्ण समझाए सारा दुनिया के मनने के लिए कोई बात है जमाने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुआ। इसलिए श्री गुरुशाह ने चैतन्य महाप्रभु को प्रयाग में दर्शन किया एक श्लोक से उनको प्रार्थना की, नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रणाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौमति श्री गुरु गोस्वामी आपका नई हेल्थ है छह गोस्वामी श्री सनातन भक्त श्रीजीव कुमार भक्त दास चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से इधर आए थे और वृंदावन की महिमा प्रचार करने के लिए अनेक पुस्तकें हमने ठीक है नाना साफ विचार नहीं कभी दुख सब धर्म संस्थापकों लोकाना बिना तिलु बने बिना सदना करो वंदे रूप सनातन श्री जी गोपाल। तो चैतन्य महाप्रभु के जो उद्देश्य मिशन वो सर्वनिष्ठ इनको गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनको प्रचार थे और उन्हीं का प्रधान शरण करते हुए हम लोग भी वही बात प्रचार कर रहे हैं भैया। तो चैतन्य महाप्रभु सबको बताते हैं कि आप लोग सब गुरु हो जाइए, हमारे अंदर गुरु भैया तारा दे जारी धर्म तारे कहो कृष्ण को दे। चैतन्य महाप्रभु सबको बताते हैं आप लोग जब गुरु हो जाइए गुरु किस तरह से हुआ तो जानते रहे कैसे गुरु मैं बदला। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको ज्यादा की अधीनता नहीं है क्योंकि आप कृपा करके केवल कृष्ण उपदेश सबको समझा जारी बैठो ताकि कहो कृष्ण क्या गुरु है। आप यदि और कुछ उद्देश्य है कृष्ण को उड़ा देना है और खुद कृष्ण बनना है ये यदि मूलता करना है
तो फिर आज जुड़ रही है। यजुर् का टेस्ट यजुर् कौन हो सकता है जो भगवान जैसे बताता है, उस प्रकार वो ही बताता है, वो गुरु एवं परंपरा का कम से नहीं राजन से भगवान कृष्णा या भगवान जी का वर्ष पूर्व मैं इसको सूर्य जी को बताया था तुम्हारे दिन सचिवान विद्यमान और समय ये जो है भगवान जी का ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी पूर्व काल में भी मैं इसको समझाया था हिंदू ने 40 करोड़ वर्ष पहले मनु का विचार करने से 40 करोड़ वर्ष पहले भगवत गीता सूर्य देव को कहा गया मनो इवन दिवस सभी जीवन भगवान ग्रहण दिवसार मनोवे में रहा दिवसार सूर्य देव मनु को बताया और उन्होंने महाराज साधु को बताया इसी प्रकार मनु को ऐसे ही भगवत गीता भगवान की वाणी आदि तथा जीव नष्ट परंपरा वो परंपरा सूच नष्ट होने का कारण वो जीव नष्ट हो गया। ये विषय में हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हमारा देश में है जहाँ छात्र और भगवान क्या चीज बताया है पूरे देश में भगवान को भूल जाना कितनी दुर्दशा की था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो उद्देश्य है कि सब कोई भारतवासी जो सब कोई है उनको उचित है जो सब जगह में जा करके ये जो कृष्णा उपदेश है उसको समझा ये कृष्ण कॉन्फ्रेंस में कृष्ण भावना रूप संग का ये उद्देश्य ये कोई धार्मिक साधारण धार्मिक का ही है परंतु आज का धर्म अनेक बन चुके हैं। धर्म एक ही है धर्म तो साक्षात भगवत को नहीं कर धर्म और कोई बना नहीं सकते है ये भगवान ही बना सकते तो भगवान जी धर्म को बता रहे हैं कि सर्वधर्मान पुरुष माने कर धर्म लिया कि हमारा चरण में सब सजान हो जाओ ये असल धर्म है अच्छा नकल न हो इसलिए भागवत में पहली बताया धर्म विरोधित कोई दबा ये जो छलवाजी धर्म जितना है वो सारा इधर चिंता विस्तार कर दिया सुरक्षित पंडित से जुड़ते न होते इसमें सुंदर स्वामी अपना टिप्पणी बताया है कि परमात्मा का मोक्ष ये सब भारी चीज और असल धर्म है भगवान भक्ति तो चैतन्य महाप्रभु की वाणी की सबको आप लोग सब गुरु बन जाए और गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है। यदि आप दूसरे को फैलाने को नहीं चाहते हैं तो गुरु हो और आप कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि गुरु का काम क्या है जो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताए हैं उसका थोड़ा सुना दीजिए क्या उसमें मुश्किल है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं मत पर नान किंचित धनंजय मुझसे बात करके और कोई परिवर्तन है नहीं
हिसाब शास्त्र का प्रमाण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिदादि गोविंद सर्वकारण का कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये सब भगवान खुद आकर के स्वयं का और जो जब भगवदगीता समझा तो कहते परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान तो भगवान श्री कृष्ण परतत्व है ये सब शास्त्र का सिद्धांत है सब आचार्य लोग स्वीकार किया है शंकराचार्य भी स्वीकार किया है सब भगवान स्वयं कृष्ण और रामानुचार्य मध्वाचार्य निम्बाक विष्णु स्वामी और चैतन्य महाप्रभु का बात बताया उसका कृष्ण वर्णन दिशा कृष्ण सब समय कृष्ण का ही केवल वर्णन करता ये सब शास्त्र वेदा शास्त्र का वेदिष्ठ सद्वय अहमेव वेद्यम वेदादि शास्त्र वेद वेदांत तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है भगवान का सम भगवान कृष्ण का सम ये सब शास्त्र का सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु वही बताते हैं ये जारे दाखो तारे का कृष्ण बोले ये जो कृष्ण भक्ति प्रचार हो रहा है इसमें कोई ज्यादा मुसीबत नहीं है हम लोग और सारा दुनिया में कोई बात करते हैं जो भगवान बताए भगवान बताते हैं हम मुझसे बढ़ता चढ़ कोई परतत्ता है नहीं और हम लोग यही कहते हैं देखो कि इंसान भगवान कृष्ण है इनसे बढ़कर कर और कोई नहीं परतत्व तो कोई अब ये लोग मान लेते वेस्टर्न कंट्रीज में ये एक सुविधा है कि इनको जब बताया जाता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान का अर्थ होता है कृष्ण और कृष्ण का अर्थ होता है भगवान ये लोग मान लेते ये लोग फर्क नहीं करते हैं देखो कि हमारा ये भगवान है हमारा ये भगवान है हमारा आपका कृष्ण तो भगवान है और भारतवर्ष की दुर्गति का कारण है ये हजारों भगवान हो गया और कृष्ण पक्ष हो गया राम कृष्ण ये दुर्दशा तो भारतवासी जनसाधारण जो है वो कृष्ण को भूला नहीं अगर कृष्ण को भूलता तो क्यों इतने नरनारी शब्द उपस्थित है कृष्ण कथा सुनने के लिए नहीं ये तो मथुरा भगवान कृष्ण का स्थान ही है हम लोग कहीं भी ये हरे कृष्ण पैंडल खोलते अभी दिल्ली में खोला था अलीगढ़ में किया था इसके पहले कहता था भरना है अभी का कृष्ण को भूला ये मंगल का कारण है कृष्ण को भूलिए ये एक बंगाली वैष्णव पद लिखा है कृष्ण भूलिया जीव भोग वंचा करे पासे ते भया तारे जापोलिया करे जब जीवात्मा भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं और भौतिक भोग चाहते हैं उसी समय माया उसको पकड़ लेती है कृष्ण भूलिया जीव भोग वंचा करे तो पाछे थे माया तारी चापोतिया तो हम लोग सब माया की कबीलित है प्रगिते क्रिय महाराणी गुण कर्माणी सर्व अहंकार विमुला आत्मा पक्का हम स्थिति मन सब कोई हम लोग शालीनता प्रकाश करते हैं अभी ये संभव नहीं है सब प्रकृति का प्रबंधित प्रकृति का अधेर है प्रकृति क्रियमाना निगुणी कर्मान सर और प्रकृति का जो तीन मूल है सतगुण रजगुण तमोगुण वो गुणों के साथ हम लोग जैसे मिलते जुलते हैं उसी प्रकार हमको शरीर मिलता
और ये जो जीवात्मा अनेक शरीर पलटते हैं जन्म जन्म नाम पर, इसी का नाम है संसार चक्र। भुक्ता भुक्ता प्रलीयते, एक दम एक शरीर मिलता है, उसमें जहां तक है भोग और दूध जो कुछ मिल रहा है मिलता है, फिर अपना कर्म का अनुसार और एक शरीर मिलता है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर एक शरीर से एक शरीर मिलता है और सुख दुख जो कुछ मिलने का मिलता है। सुख तो है नहीं, केवल दुखी है। जब तक हमको ये भौतिक शरीर धारण करना है, चाहे स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, चंद्रलोक में शरीर मिले, अवतल पाताल नितल अतल तलातल दशातल, जब कहीं भी भौतिक शरीर मिले वो कष्टदायक दुखारय मथा सतम, ये हम लोग भूल गया। हम लोग स्वाधीनता से समझते हैं कि हम लोग इतना सब शुद्ध का बंदोबस्त कर रहे हैं, ये हो नहीं सके। दैवी जी सा गुण वही ममो माया दुरुप्त है महामे मुझ जानते माया की कांतरण थी। जब भगवान भगवत जी को बता दिया जो हम लोग जो मांगे कि भौतिक जगत में सुखी होने को चाहते हैं, सुखी होने का हमको बेरन जो पनिशमेंट जो भगवान को भूल गया उसको दिए, ये एक शास्ति है भौतिक जन्म में। इसलिए भगवान खुद आते हैं, हम यही सिखाते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम। भगवान और भगवान की वाणी उसमें कोई फर्क नहीं है। भगवान अद्वैत ज्ञान तत्व, भगवान का नाम और भगवान एक ही चीज, भगवान का उपदेश और भगवान एक ही। इसी प्रकार यदि हम लोग भगवान कृष्ण का उपदेश रोजाना ठीक ठीक से पढ़े, ठीक ठीक से पढ़े इसका मतलब यही होता है, क्योंकि आजकल गीता पढ़ाने वाले सब बड़े बड़े राजनैतिक ज्ञान बड़े बड़े स्कॉलर लोग हो गए हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है जो भगवान को उड़ा दो, और उनका कोई उद्देश्य नहीं। इस प्रकार व्यक्ति के पास भगवद गीता यदि आप लोग पढ़े तो उसको कभी आच्छाद नहीं कर सकते। इसलिए भगवान बताते हैं तदविधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। जो तत्वदर्शी भक्त है उनका पास यदि आप भगवत वाणी सुने हैं उसमें काम, और जो तत्वदर्शी है नहीं, हमने को बड़ा विद्वान समझते हैं, लीडर समझते हैं और हम शांत इधर उधर का बात बकते हैं, वो सब भगवत गीता पढ़ने से कुछ काम नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो सेक्रेटरी थे दामोदर गोस्वामी, वो एक ब्राह्मण को बताया था भागवत पढ़ो दिया भागवत स्थान। यदि कोई व्यक्ति भागवत है जिसका जीवन भागवत में है, उसके पास जाकर के भागवत सुनिए। इसी प्रकार जो कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण का कृष्ण को समझना तो कोई साधारण बात नहीं है। मनुष्याणाम सहस्य कश्चित जग की सिद्ध है, जगतान की सिद्ध्याणाम कश्चित व्यक्तिमा कर। तब भी कृष्ण सबका हृदय में बैठे हुए हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम निर्देश अर्जुन स्थिति, सबका हृदय में भगवान बैठे हुए। ताकि जो भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा करने के लिए सब समय जत्नशील है, इस प्रकार व्यक्ति को भगवान भीतर से बताते हैं। तेषां तत्वविदुक्तानां
भजताव प्रीति पूर्वकम बुद्धि योग अनुदातम जीर्णमाया। भगवान संशय बातचीत नहीं करते हैं, ताकि जो भगवत प्रेमी है ये जो भगवान की सेवा करने में सब समय उसको भगवान समझाते हैं। इसीलिए भगवत गीता अर्जुन को समझाया, पहले भगवान समझाया ये जो पद्धति परंपरा पद्धति ये नष्ट हो गया, इसीलिए योग नष्ट हुई। फिर तुमको हम समझा रहे हैं, तुम समझो कि हमको क्यों समझा रहे हैं, हम तो कोई योगी भी है नहीं, और कोई सन्यासी और वेदांती ये सब तो मैं है नहीं, मैं साधारण गृहस्थ है, वो भी राजा है, सब समय रुपया पैसा है, चिंता हमको आप क्यों समझा रहे हैं। इसलिए भगवान का जो भक्तों से इच्छा थी रहस्यम में तद उत्तम, ये सब होने का कोई जरूरत नहीं है, असल चीज भगवद गीता वही समझेगा जो कि हमारा भक्त है अपनी है। यदि भी हम लोग भक्त नहीं है तो वो भगवद गीता हम लोग नहीं समझ पाएंगे। उदाहरण स्वरूप जैसा है मधु का बोतल है, और वो बोतल को लेकर चाटने से मधु का आस्वादन नहीं हो सकता, वो बोतल खोल करके उसका भीतर जो मधु है उसको चीखने से तब मधु का आस्वादन है। इसी प्रकार भगवान जो भगवत गीता बताए हैं उसका बाहर से यदि कोई आस्वादन करने को चाहते हैं उसको नहीं मिलेगा। भीतर भक्ति जो भक्त्यामावजानाति जावानुदृष्टान, ये जो अंग्रेज अमेरिका हमारा साथ आए हैं इसको सब भक्त बनाया जाता, भक्त बनने के लिए जो सब नियम है वो सब मानते, साधारण भक्त होना साधारण बात नहीं है। इनको बताया जाता है कि देखो जी अवैध विधि ही स्त्री पुरुष का जो संगम होता है इसको छोड़ना चाहिए, ये सब छोड़ दो, और किसी प्रकार मादक द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, माय पान बीड़ी सिगरेट टॉफी ये सब छोड़ दो, और मांसादी भक्षण ये सब छोड़ देना, ये छोड़ दिए, और जुआ खेलना ये चाची हम इनको मना करते हैं, और इनको पहली दीक्षा देने के पहले ही इसको प्रतिज्ञा करने पड़ता है ये सब चीज छोड़ना चाहिए, ये छोड़ देते, क्योंकि जिसका जीवन पाप रहा है वो भगवत भजन नहीं कर सकते। जेषाम अंतगतम पापम जनाना न पुण्य करना श्री धर्ममहिन्मुक्त भजन के नाम भगवत भजन दृढ़ता से कोई कर सकेगा जिसको पापमय जीवन खत्म हो गया। पापमय जीवन का ये चार खम्भे है, अवैध स्त्री संग और मांसाहारी भक्षण और नशाभार और जुआ, ये चार चीज छोड़ने पड़ेंगे यदि आप भगवान को समझना चाहते। परंतु कलयुग में सब पतित होते हुए एक उनका बहुत सुविधा है, शास्त्र में बताए ये सुखदेव गोस्वामी ने महाराज पतित खुद को समझाया जब कलयुग का वर्णन किया कि सभी पाप ही पाप है दोष, तो आखिर में ये बताया कलो दोष निधि राजन अस्थि जी को महान गुण
कीटनारी वा कृष्ण सब मुक्त सम्म परम मिले। महाराज कलयुग का तो सभी दोष है, ये तो दोष का समुद्र है। बाकी इसमें एक वस्तु बहुत लाभदायक, वो क्या चीज है ना, कीटनारी वा कृष्ण मुक्त सम्म परम मिले। केवल हरि कीर्तन तक वो सब दुष्संग से मुक्त हो जाता है और भगवान का पास चले जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कई बात कह रहे हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन चीत दर्पण मार्जनम मम महादावादि निर्वापनम श्री कई रवचंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम विकासादम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। आप लोग को तो कृष्णा अभी अभी लोग है हमारे लिए, ऐसे तीन व्यक्ति आपको कृष्ण का विषय क्या समझा रहे हैं, आप लोग को पांच हम लोग समझने किया है। तो ये शास्त्र द्वारा हम लोग यही समझते हैं कि कलयुग में अत्यंत तो दोषयुक्त होते हुए भी यदि कृष्ण कीर्तन हम लोग सब मिल के करें, कृष्ण कीर्तन मिल के करने से उसका नाम होता है संकीर्तन, सब मिल के कीर्तन करते। और कलयुग में यही यज्ञ साधन है, ये सब शास्त्र प्रमाण है। यज्ञ संकीर्तन प्राय जदंती ही स्मेर कृष्ण वर्णन किसा कृष्ण छान पानार्थ पात्र यज्ञ संकीर्तन प्राय जदंती ही स्मेर। जो संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान की उपासना, उसमें कोई खर्च नहीं, लेकिन सब यज्ञ कलयुग में असंभव है। वो पैसा भी है नहीं, वो सरंजाम भी है नहीं, और वो ब्राह्मण भी है नहीं जो यज्ञ साधन कर सके, जागृत ब्राह्मण। अनेक प्रकार असुविधाएं हैं, इसलिए छात्र में बताए हैं कीर्तनादि व कृष्ण भगवान कृष्ण का कीर्तन कीजिए, हरे कृष्णा 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 इसमें कोई मुश्किल नहीं है। चैतन्य महापुरुष हर कृष्णा हमको रास्ता दिखा रहे हैं कि आप लोग सब गुरु हो जाइए, धन धन में गुरु हो जाइए, शाम को बैठ करके कीर्तन कीजिए, भगवत गीता पाठ कीजिए। गृहस्थ जो है नारद मुनि साहब उपदेश दिया है, श्रीनर भगवतो अमिश्रम अवतार कथामृतम सदान यथाकालम उपशांत जनार्दुका। ये पद्धति बताए कि श्रीनर भगवत अमिश्रम अवतार कथा अमृतम, भगवान निराकार नहीं है, निराकार जो है जैसे सूर्य है, सूर्य निराकार नहीं है, सूर्य का जो प्रकाश है वो निराकार। इसी प्रकार भगवंती तत्तम जग ज्ञान अर्थ ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान ही थी सब कुछ, परम तत्व जो है वो ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप से विख्यात। ज्ञानी लोग के लिए ब्रह्म ज्ञान, योगी लोग के लिए परमात्मा ज्ञान, और भक्त के लिए भगवत स्वरूप साक्षात मिलिंद नंदन हरी कृष्ण। तो ये सब उपदेश सब मौजूद है, कम से कम भगवत गीता आप लोग सब पढ़िए और कीर्तन की, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं।
कम से कम ज्यादा आजकल जो गृहस्थी होते हैं वो तो जैसा हम लोग का वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम होता छूट गया है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ अक्षण्य चार आश्रम ये है वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम चारवता पुरुष न परोक्षमान विष्णु आराधते चार तस्तु सुतार भगवान विष्णु को आराधन करने को चाहते हैं। ये वर्णाश्रम धर्म पहली सोपा तू तो हम लोग सब छोड़ दिया चली जो है सब टूट फूट गया है। बाकी वो संशोधन हो सकता है संशोधन अगर नहीं भी हो ये जो शास्त्र का निर्देश है कि जारे दाखो तारे का हो कृष्ण हो सबको कृष्ण उपदेश सुनाएंगे उसे क्या मुश्किल है। कृष्ण क्या उपदेश करते हैं मनमना भगवत भक्त मंगी नाम सचमय भगवान कृष्ण का चिंतन करना और उनको भक्त हो जाना उनको नमस्कार करना इसीलिए तो मंदिर बुद्ध बुद्ध आचार्य लो क्या इतने संबंधित बनाए हैं जो हमारे इसे समूह जितना है कम से कम मंदिर में जा करके भगवान का चरण में जगे निष्ठा इसमें कोई मुश्किल नहीं। भगवान लोग सब छोड़ दे रहे हैं ये जो हमारा भारतीय कृष्टि है ये सब छोड़ दे करके और ये विद्या हम लोग गिरे हुए हैं। यदि आप लोग ये कठिन समस्या से उत्तीर्ण होने चाहते हैं अहम तो सर्व पापी भ्रम को चाहते भगवान स्वयं आपका मंगल करेंगे केवल आप लोग भगवान का चरण में शरण रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम